अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारा टेस्टी किचन। रमज़ान जेठी व्लॉग में वेलकम है आप सबका। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मॉर्निंग सहरी के टाइम से, सुहर का टाइम है। और अभी जो है मैं बना रही हूँ आज हाफ फ्राई। और बेसिकली हम लोग के यहाँ जो सहरी में पराठे बनते हैं प्रेफर करते हैं, लेकिन आज मैं हाफ फ्राई बना रही हूँ अपने लिए। तो उसके लिए मैंने जो है पैन में थोड़ा सा घी लिया है और उसके बाद इसमें टमाटर प्याज और शिमला मिर्च डाल के सौते कर लिया और उसको निकाल लिया। अब सेम पैन में थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे, फिर उसमें मैं एग को हाफ फ्राई कर लूँगी। और जब एग अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो निकाल लूँगी। अगर योक आपको थोड़ी कच्ची पसंद है मेरी तरह, तो आप थोड़ा जब अनकुक रहे तभी निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैंने ऊपर से ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया सिंपल। और उसके बाद जो ब्रेड्स हैं उनको भी मैंने टोस्ट करके निकाल लिया। और इसके अलावा जो मैंने सौते किया था वेजिटेबल्स, वो ऊपर से इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। एंड दिस इज़ माय वे ऑफ ईटिंग हाफ फ्राई लाइक दिस, एंड सीरियसली आई लव इट। And do try it and let me know in the comment section. Okay, so यहाँ पर जो सहरी है वो तैयार हो गई है और साथ में चाय है और तुर्री है। ये अब ड्राई फ्रूट से बनती है एंड आई थिंक हर घरों में बनती है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं बचपन से देखते आ रही हूँ ये बनती है घरों में और मोस्टली हर घरों में बनती है। तो ये सब कुछ रमज़ान की ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जो हर घरों में बनती हैं। तो अच्छा, यूपी साइड में तो बनती है, और का तो उतना मुझे आइडिया नहीं है। तो अच्छा देखें, अभी यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पोटैटो ले लिया। शाम को ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, सिंपल मैंने कटलेट बनाया था और बाकी वही चीज़ें थी, तो मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से आज मैं इसकी कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने नमक, मिर्ची, भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, धनिया, हरी मिर्ची, ओरिगैनो, ये सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से मैश कर लिया, मिक्स कर लिया और कटलेट का शेप दे दिया। और कटलेट का शेप देने के बाद सारे इसी मतलब एक सिलेंडर शेप में मैं बना रही हूँ, आप आलू टिक्की के शेप में भी बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए और अब इसको हम लोग मैदे के घोल में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम में रोल करेंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये अच्छे तरीके से ये हो गया रोल और ये मेरे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। तो इफ्तार से पहले जब आपके पास टाइम हो पहले से बना के इसको फ्रीज़ कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल क्रिस्पी एंड गोल्डन फ्राई होते हैं और उसको गर्मा गर्म तल के निकाल लेना है आपको। तो ये तैयार हो चुका है और अब मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ मेरी रमज़ान डे 3 की इफ्तारी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जो भी बनाया था वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं बार बार सेम रेसिपी रिपीट नहीं करना चाहती। तो इसमें कटलेट है, चिकन पकोड़े जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, दाल के पकोड़े हैं और हरी चटनी, पापड़, दही बड़े, चने, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और समोसे मैंने बाहर से बनाए थे। और ये है चिकन पुलाव, ये मैंने नहीं बनाया था, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।